हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों में जमेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। इतने ठंड होने के बावजूद भी उस गांव में 15 से 20 तक परिवार रहते हैं। उन परिवारों की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी कि इस परिवार की है। लकड़ियाँ खत्म होने को है चुटकी, तुम और छोटे अपने ख्याल रखो, मैं जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, ठीक है ना? अभी तो बर्फ गिर रही है, ऐसे में आपका जंगल में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। वैसे भी आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो शरीर को गर्म रख सके। मुझे जंगल में जाना तो पड़ेगा ही चुटकी, मेरे लिए ना सही, अपने परिवार के लिए मुझे लकड़ियाँ लेकर आना ही होगा। ऐसे कहते हुए चीकू बेल अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। तभी रास्ते में उसे कुछ गांव वाले आग सेकते हुए नजर आते हैं। छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए वो लोग चीकू से बात करने लगते हैं। इस बर्फीली बारिश में कुल्हाड़ी पकड़कर कहाँ जा रहे हो चीकू? वैसे भी कुछ दिनों तक जंगल में लकड़ियाँ काटने से मना किया है। जंगल में लकड़ियाँ काटने से मना किया है, लेकिन क्यों? तुम अकबर नहीं पढ़ते हो क्या? भूखे भालू जंगल में घूम रहे हैं और उनसे जानलेवा खतरा होता है, इसीलिए जंगल जाने से मना किया है। कुछ दिनों तक हीटर से ही काम चला लो, वरना तन से बाद में मरोगे, पहले वो भालू तुम्हें कच्चा खा जाएगा। उनकी बातें सुनकर कुछ देर वहाँ पर बैठ जाता है जरा हुआ चीकू बेल और कहता है कि उसके पास तो हीटर ही नहीं है, वो हमेशा से ही लकड़ियाँ जलाकर अपना काम चलाता आया है। अब जंगल में नहीं गया तो उसकी पत्नी और बच्चा ठंड में बर्फ बन जाएंगे। तब एक एक करके उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और सलाह भी देते हैं। मेरे पास से कुछ लकड़ियाँ लेकर जाओ चीकू, वो लकड़ियाँ तुम्हारा आज का दिन गुजरने के लिए काम आएंगे, और हो सके तो हम सबकी तरह तुम भी एक हीटर खरीदने की कोशिश करो। तुम सब तो जानते ही हो मेरे पास हीटर खरीदने जितने पैसे इस जन्म में कभी भी इकट्ठा नहीं होंगे, मुझे इन्हीं लकड़ियों से गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे चीकू बेल के दोस्त उसे सुनी सुनाई बातें बताकर मौत के कुएं जैसी खतरनाक जगह पर जाने को कहते हैं। चीकू बेल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए अपना पूरा मन बना लेता है। घर लौटकर दोस्तों की दी हुई वो थोड़ी सी लकड़ियाँ चुटकी गाय को देकर उसे जंगल में और लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहा हूँ कहकर झूठ बोलकर उस नीली पहाड़ी के पास जाता है। रास्ते में कितनी मुश्किलें आने पर भी हिम्मत हारे बिना खुद से ऐसे कहते हुए चलता ही जाता है। ये हवा, ये ठंड मुझे अपने परिवार की रक्षा करने से नहीं रोक सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए उस पहाड़ तक पहुँच कर ही रहूँगा। ऐसे कहते हुए दो दिन का सफर तय करके उस पहाड़ तक पहुँचने वाला होता है, और यहाँ पर चुटकी उसका पति जंगल जाकर अभी तक लौट कर नहीं आया है कहकर परेशान होने लगती है और गांव में सबसे उसके बारे में पूछती है। क्या आपने मेरे पति चीकू को देखा है कहीं पर? वो सिर्फ कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे जंगल में, दो दिन से लौट कर नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना चुटकी बहन, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, चीकू भाई अब कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। मैंने उनसे कहा था जंगल में मत जाना, शिकारी भालू घूम रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो जंगल में नहीं उस नीली पहाड़ी पर गए हो जादुई पेड़ की लकड़ियाँ लेकर आने के लिए। अगर ऐसा है तो वो रास्ते में ही मर गए होंगे। ऐसे वो गांव वाले डरी हुई चुटकी को और भी डरा देता है और चुटकी गाय रोते हुए अपना घर लौट जाती है
उसे रोता हुआ देखकर उसका छोटा सा बच्चा भी डरने लगता है और यहाँ पर बहादुर चीकू बेल उस पहाड़ी तक पहुँच जाता है। लेकिन उस सुंदर से पेड़ को देखने के बाद उसे काटने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है चीकू बेल को। मैं इतने सुंदर पेड़ को अपने स्वाद के लिए काट कर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ? ऐसे कहकर परेशान हो रहे चीकू बेल से अचानक से ही वो पेड़ बात करने लगता है। उसे एक हमेशा जलते ही रहने वाला हीटर देते हैं। मैंने आज से पहले तुम जैसे बहादुर और सच्चे दिल वाला नहीं देखा, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। इस बार तुम्हें वापस जाने के लिए भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। पेड़ के ऐसे कहते ही अगले ही पल चीकू बेल अपने हीटर के साथ घर में होता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताकर खुशी से रहने लगते हैं। दर्शीपुर नाम के एक गांव में सभी गाय और बैल अपनी मर्जी के हिसाब से रहते थे, जिसकी जो मर्जी लोग वही करते हैं। ऐसे में धनवान और बलवान के तो काम आसान होते हैं, लेकिन गरीब और कमजोरों के लिए हर काम मुश्किल होता है। क्या बात है, आप आज भी खाली हाथ लौट कर आए हो? घर में खाने का एक भी दाना नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? मैं हर रोज अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिन्नू, लेकिन भोजन पहले धनवान ले जाते हैं, उसके बाद बलवान ले जाते हैं। हम जैसे लोग सिर्फ उन्हें देखते रह जाते हैं। ये समस्या सिर्फ मिन्नू और कल्लू के घर ही नहीं थी, आधी से ज्यादा गांव वालों की थी। इस विषय पर सब मिलकर जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, हर कोई अपनी मर्जी सुनाता रहता है, इसलिए आखिर में कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। इसीलिए कह रहा हूँ, हमें एक मुखिया की जरूरत है जो हमें इन सारे सवालों और लालच के बारे में देखना सिखाए। ऐसा तो सिर्फ एक ही बेल हो सकता है और वो तुम ही हो कालू। ऐसे ख्याल आज से पहले किसी को भी नहीं आया था, इसीलिए कालू ही हमारा मुखिया बनेगा। क्या कहते हो साथियों? सभी गांव वाले उस बेल की बात से सहमत होते हैं और कालू बेल को मुखिया बनाने ही वाले होते हैं। तभी उनके बीच में से गमोरा नाम का एक बैल उठकर कहता है कि कल्लू ने जानबूझकर ही ये बात की है, ताकि सभी लोग यही बात सोचकर उसे मुखिया बनाए। एक मुखिया को सच में निस्वार्थी होना चाहिए, जैसे कि मैं। मेरे पास सब कुछ है, मैं मुखिया बन भी गया तो मदद करने के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, इसीलिए मुखिया मुझे बनना चाहिए। ऐसे गमोरा अपनी तरफ से खुद को मुखिया बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग सिर्फ कल्लू को ही अपना मुखिया बनाने की बात कर रहे थे और सब मिलकर पहली बार एक फैसला करते हैं। तो ये तय रहा, कल सुबह हम सब मिलकर कालू को हमारे इस गांव का मुखिया बनाएंगे। उसके बाद जो कालू कहेगा, उसके बाद कालू जो कहेगा वही होगी। ठीक है कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गुस्से में लाल पीला घमोरा कैसे भी करके कालू बैल को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाकर उसके पीछे पीछे जाता है और पीछे से मौका मिलते ही मार देता है बेचारे कल्लू बैल को। अब देखता हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में। अब मैं ही हूँ इस गांव का मुखिया भी और करता डरता भी। ऐसे कहते हुए गमोरा अगले दिन सुबह सबके साथ जाकर भोले भाले गांव वाले की तरह सबके साथ जाकर बैठ जाता है और सब कल्लू बैल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कल्लू तो नहीं आता है।
उसकी पत्नी मिन्नू गाय रोते हुए आती है। क्या बात है मिन्नू बाबी जी, आप रो क्यों रही हो? और कालू भैया कहाँ पर है? हमारे कल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने कल रात घर लौट कर आते वक्त उन्हें मार दिया। ऐसे कहते हुए मिन्नू गाय रोने लगती है और वहाँ पर आए हुए सभी गाय बैल हैरान हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर अफसोस करने के बाद सभी लोग मिलकर मिन्नू को मुखिया बनाने चाहते हैं। हाँ हाँ, यही सही है। कालू बाई का कातिल कौन है इस बात का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे, लेकिन उनकी जगह में मिन्नू बाबी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हुए मिन्नू के कितना मना करने पर भी सभी लोग मिलकर मिन्नू को मुखिया बना ही देते हैं। इस बात से गांव वाले खुश थे। मिन्नू डरी हुई थी और गमोरा गुस्से में था। एक कत्ल करने वाले गमोरा को दूसरा कत्ल करने में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। एक को डबकाया तो दूसरी मुखिया बन गई है। उसे तो ऐसे ही मार दिया था, लेकिन इस मुन्नू की बच्ची को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मेरी मुखिया की सीट छीनने वाली मिन्नू की इस दुनिया से टिकट काटनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए गमोरा दिन रात मिन्नू का पीछा करके मिन्नू अकेली दिखते ही उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है और मारने से पहले थोड़ी सी नौटंकी भी करता है। जिंदगी में एक ही ख्वाब देखा था, इस गांव का मुखिया बनने वाला ख्वाब, लेकिन तुम पति पत्नी मेरे रास्ते में चप्पल से चिपके हुए च्यूइंग गम की तरह से सपनों पर चिपका रहे हो। तुम्हारे पति को तो रास्ते से हट दिया, अब तुम्हारी बारी। गमोरा ऐसे डायलॉग बासी कर रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ गांव वाले आते हैं और गमोरा की खूब पिटाई करके मिन्नू से उसकी गलती की सजा सुनाने को कहते हैं। ऐसे मिन्नू मुखिया बनने के बाद सबसे पहले अपने पति के कत्ल को सजा देती है।